अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मज़े में हूँ। तो आज है सोहा की पेरेंट टीचर मीटिंग, तो उसमें जा रहे थे अभी। बस 10:30 बजे का टाइम है, 5 मिनट रह गए। मैं रेडी हो गई थी हल्की सी, मैंने कुछ इतनी गर्मी है ना, बेस वेस या बीबी क्रीम भी नहीं लगाई, मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और वही लिपस्टिक ब्लश लगा ली है। बस फटाफट चेंज किया और अभी निकल रहे हैं। उसके बाद आके सोहा को नाश्ता वाश्ता भी करवाना है और सोहा ने सुबह उठते ही ना मेहंदी लगवा ली है। सोहा हाथ दिखाओ अपने, ये देखें भाई, सोहा ने सुबह उठते ही ऐसे ऐसे करके दिखाओ, ऐसे मेहंदी लगवा ली है। वाओ प्रिटी। तो जी हम सोहा के स्कूल से आ चुके हैं। ये रही सोहा, और सोहा की कंप्लेन मिली है। बताऊं सबको क्या कंप्लेन मिली है? सोहा की कंप्लेन आई है कि सोहा क्लास में बैठती नहीं है, बैठती नहीं है, खड़ी रहती है। और बस काम, जैसे काम ख़त्म हुआ, जैसी क्लास में ख़त्म हुआ, सोहा जो है फ़ौरन खेलने लग जाती है। एक ये कंप्लेन आई है और दूसरी ये कंप्लेन आई है कि आप अपना लंच अपनी पॉकेट्स में छुपाती हो। लंच अपना नगेट्स लेके जाती है, वो थोड़ा सा च्यू करके पॉकेट्स में छुपा लेती है। ये तो मैंने भी पकड़ा था कि बैग में छुपा के रख के ला दी थी। तो मैंने कहा मेरी बेटी है, मुझे पता, मुझसे चला गई, अम्मा से चला गई। तो मैंने तो पकड़ लिया था इनके। फिर टीचर ने भी बताया कि नगेट्स ने ऐसे थोड़ा सा च्यू करके पॉकेट में रख लेती हैं बकाया। तो ये दो कंप्लेंट्स आई हैं आपकी। बाकी पढ़ाई में आप अच्छी हो, बात आप सुनती हो, मैनर्स हैं आप में, आप रिस्पेक्ट करती हो, टीचर ने बोला है, आप शोर नहीं मचाती, गुड गर्ल हो आप। बट ये कंप्लेंट भी नहीं आनी चाहिए ना, आप क्लास में बैठा करो। क्या सबके साथ तब खेलते हैं जब प्ले टाइम होता है। तुम्हें क्या हो गया, तुम प्यार करवाए चली जा रही हो? तब खेलते हैं जब प्ले टाइम होता है, सारा टाइम नहीं खेलते रहते। मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, जब आपको पढ़ा रही हूँ टीचर क्लास में, तब आप नहीं खेलोगी, ठीक है? ठीक है। और खाना आप छुपा के नहीं लाओगी, इधर खड़ी हो, पनिश करूँगी, नहीं तो मैं ऐसे दीवार के साथ लगा के खड़ा कर दूँगी, ठीक है? खाना नहीं छुपेगा, पूरा फिनिश होगा लंच। और दूसरा, आप खड़ी नहीं होगी क्लास में, ना खेलोगी, सही है? जब आपका प्ले टाइम होगा आप सिर्फ तब खेलोगी। समझ आ रही है मेरी बात? ओके, अब मुझे कंप्लेन नहीं आनी चाहिए टीचर की। अब चलो नाइना ही हो गई, आ जाओ। हाँ बस सही है, बंद कर दो जल्दी से। चलो नाइना ही हो गई है, अब चेंज करेंगे कपड़े, आ जाओ जल्दी। आपकी मेहंदी देखो हल्की हो जाएगी फिर। चलो अब, चलो जल्दी आ जाओ, चलो बस आ जाओ। तू मेरी मोहब्बत से बच ना सकेगा, समझ ले ना दिली शरा। बस गाने सुन रही थी तो मैंने कहा कि बंद कर दूँ ये, बस फिर निकलते। अभी बज रहे हैं 12:30 और हम लोग जा रहे हैं। पसीना देख रहे हैं आप मुझे कितना आ रहा है, मतलब किस लेवल का पसीना आ रहा है, चेक कर रहे हैं आप? ये हाल होता है मेरा गर्मियों में। जो लोग जानते हैं मुझे एज ए पर्सनली, उनको तो पता है ये क्या है। ये अच्छा मेरी स्टिक है, मैं बोलूँ ये क्या है पीछे। हाँ तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे कितनी गर्मी लगती है, और जो नहीं जानते अब उनको पता चलेगा कि मुझे कितनी गर्मी लगती है। तो मैं सब बंद कर रही हूँ, लाइटें वाइटें, और हम लोग निकलने लगे हैं। ये लोग उतर गए हैं, बाप बेटी दोनों नीचे। बस मैं उतर रही हूँ हिसार करके घर को। हम लोग जा रहे हैं अम्मी पापा के घर, आज है दावत अम्मी पापा के घर। एक सेकंड, मैं अपना चार्जर भी ले लूँ। अम्मी पापा के घर पे है दावत, तो मैं जल्दी इसलिए जा रही हूँ ताकि मैं अम्मी की हेल्प करा सकूँ खाने में। आ जाएंगी समीर की सारी फुप्पोएं, तो उनको डिनर पे बुलाया है क्योंकि मम्मी बाबा का नया घर है माशाल्लाह से, तो मम्मी बाबा ने उनको डिनर पे बुलाया है। तो हम लोग जल्दी जा रहे हैं। मैंने कहा वैसे तो सुबह सुबह जाने का प्लान था, पर सुबह मैंने आप लोग को बताया ना कि सोहा का पीटीएम था, उसमें गई थी। एंड देन फिर आई, नाश्ता किया, झाड़ू पोछा, घर साफ वाफ किया, कपड़े निकाले सारे ले जाने वाले। ऐसे कुछ फैंसी तो नहीं पहन के जा रही मैं, क्यों क्या दरवाज़ा तो बंद कर दिया मैंने। चलो नीचे जाओ, दरवाज़ा। अच्छा तो हाँ, झाड़ू पोछा किया, बैग पैक किए, फैंसी कपड़े इसलिए नहीं रखे क्योंकि
चीखा नहीं करो, 10 दफ़ा बोला है मैंने चीखा नहीं करो, तो वहाँ जाके काम करना होगा। तो इस वजह से मैंने कॉटन के रखे हैं कपड़े अपने, और सोहा का सेम सूट रखा है, आप लोग पहले भी देख चुके हैं, और वो मैंने ही सिया है, जो मैं पहनी हुई वो भी मैंने ही सिया है। वाओ, आई एम अ टेलर नाउ जी। मैचिंग है बलून। अस्सलाम वालेकुम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम कर लीजिए, वेरी गुड। हाँ मैचिंग है, मैचिंग है। पिंक बलून, पिंक सोहा की शर्ट और पिंक सोहा का क्लिप है, हैं सोहा, यू लुक ब्यूटीफुल। चलें अब, अब्बा को छोड़ के चले जाते हैं ना, हम लोग चले जाते हैं, चलें अब्बा को छोड़ के चलते हैं। आते के साथ ही जी हमने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। कुकर पे चढ़ा हुआ था हलीम, ये हमने तेल गरम किया है। अचार गोश्त के लिए मिर्चें तैयार हैं और पुदीने के पत्ते भी हमने छांट लिए हैं। ओ माय गॉड सोहा, ये आपसे बॉल्स गिर रही है स्नूकर की। तो जी सबसे पहले तेल में अदरक लहसुन डाल के भून लेंगे, उसके बाद इसमें शामिल कर दिया है गोश्त। पैकेट का मसाला है अचार गोश्त, बहुत सिंपल। समीर तुमने जो फालसे वाला शरबत बनाया था, अभी फालसे का शरबत, ये कैसे बनाया था? अच्छा बना, सो जाओ, अच्छा बना था ना, तो मैंने कहा तुम मुझे बताओ टेक्निक, तो मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर लोगों को बताऊंगी। अच्छा तुमने उसमें कुछ नोटिस किया था कि लास्ट नोट किसका लगा था? मिंट। अच्छा ये अच्छा था कि जो मैंने बनाया था ना, फर्स्ट नोट आपको फालसे का ही लगेगा, लेकिन जाते जाते जो लास्ट नोट हिट होगा ना वो मिंट का होगा। क्या बात है आपकी, ऐसा ही है बस, कुछ नहीं है, सिंपल आप बनाओ, मिंट ऐड कर दो, लेकिन वो फिर एक हाथ की बात है। हाँ वो जो एक दो पत्ते लास्ट के जाते हैं ना, वही इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी से बनता है। सोहा सो जाओ जल्दी। चाची आज तो आप तैयार है ना, आज आपको लिया जा सकता है। मत तपाओ मेरी बेटी को, मेरी बेटी को नहीं तपाओ तुम लोग मिलकर। सोहा मैं आपकी साइड ले रही हूँ, कोई आया गेट पर। तो ये हलीम गरम हो रहा है, अचार गोश्त भी रेडी है, हरी मिर्च डाल दी हैं, और यहाँ जी मैंने लगा दिया है टेबल, बिरयानी, अचार गोश्त एंड हलीम, बाकी रायता वगैरह सैलड सब रेडी कर लिया था, टेबल लग गया है जी। बोलिए बिरयानी सब है? यस 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 यस, आ जाए भाई खाना खा ले, सब खाना खा ले भाई। ए मिस्टर हैंडसम, समीर समीर टमाटर क्या हिसाब दिए, टमाटर क्या हिसाब दिए, नींबू क्या हिसाब चल रहे, सब्जी वाला नींबू क्या हिसाब चल रहे, नींबू क्या हिसाब दे रहे हो भैया, नींबू क्या हिसाब दे रहे हो? हेलो, से हेलो, हेलो हेलो गर्ल्स, हेलो पागल हो गए सब, पागल बना हो रहा है, बस ड्रामे फजूल के। यार तुम लोग पागल हो गए हो सबके साथ, यार मेरे साथ नहीं करना, पागल बना हो रहा है हमारे यहाँ। तुम कैमरे में घुस गई अब्रेश, कैमरा में घुस जा, अरे आराम से ना समीर, ये कोई बस हाँ लग लगाना चाहिए ना भाई, एकदम से फायर जल गया फिर हो
मेरी बेटी बिल्कुल अच्छी बच्ची है, ऐसी सब पागल वाली हरकतों में नहीं लगती। ना ही उसको दूर रखो ऐसा पागल बने से। हाँ, शी इज अ सेंसिबल गर्ल। तो यहीं पे सारा पागलपन ख़त्म होता है और बस इसी के साथ दावत भी ख़त्म होती है। तो हम व्लॉग को भी एंड करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सभी को ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।